देश में वैक्सीन संकट के मद्देनजर आज अमेरिका जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। सरकार कोरोना वैक्सीन बनाने वाली तमाम अमेरिकी कंपनियों के संपर्क में। चार दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत के दौरान आर्थिक मुद्दे और कोरोना की रोकथाम से जुड़े मुद्दों पर होगी वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5 दिन पहले किया था ऐलान, जून के अंत तक अमेरिका विदेशों को सप्लाई करेगा वैक्सीन के 80 मिलियन डोज। राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 60 मिलियन डोज, फाइजर मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 20 मिलियन डोज विदेश में बिक्री के लिए है तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के साथ ही पड़ोसी देशों के लिए भी वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। 28 तारीख को अमेरिका से होगी वतन वापसी। हाल ही में बांग्लादेश ने भी अमेरिका से वैक्सीन सप्लाई के मुद्दे पर भारत से की थी बात। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव को भी वैक्सीन की जरूरत। कोरोना संकट के बीच देश में तेजी से बढ़े ब्लैक फंगस के केस, देश में अब तक करीब 9000 मरीज आए सामने, कुछ ने गवाई जान। दिल्ली समेत देश के कई हिस्से में ब्लैक फंगस की दवा इन्फोटेरसिन बी की कमी, अस्पतालों में इन्फोटेरसिन बी की सप्लाई बढ़ाने में जुटी सरकार। दिल्ली के आकाश अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के 2 मरीजों में एक की मौत, इन्फोटेरसिन बी इंजेक्शन नहीं मिलने से आई गई जान, दोनों मरीज हरियाणा और यूपी से दिल्ली किए गए थे रेफर। दिल्ली लाए गए ब्लैक फंगस के दोनों मरीज कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के हुए थे शिकार, गंवानी पड़ी थी आंख। दिल्ली में एक दिन में ब्लैक फंगस के 36 नए मरीज सामने आए, दिल्ली के एलएनजेपी जीटीबी अस्पताल में हो रहा इलाज। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती है ब्लैक फंगस के कुल 41 मरीज, जबकि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 36। कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉयड के अधिक इस्तेमाल से बढ़ा ब्लैक फंगस बीमारी का खतरा, डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सावधानी की जरूरत। इंदौर में कोविड के बाद अब पोस्ट कोविड बीमारी, ब्लैक फंगस से जूझते मरीजों को दवा की दिक्कत, नहीं मिल रहा इन्फोटेरसिन बी का इंजेक्शन, प्रशासन से खफा है पीड़ित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी जानकारी, ब्लैक फंगस के इलाज में प्रभावी इन्फोटेरसिन बी के 3 लाख इंजेक्शन विदेशों से मंगाए जा चुके हैं, जल्द 3 लाख इंजेक्शन और आएंगे। अगले सीबीआई चीफ पर मंथन, आज मीटिंग में शामिल होंगे पीएम मोदी। सीबीआई प्रमुख की रेस में प्रमुख तौर पर शामिल है 3 नाम, बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख राकेश अस्थाना, एनआईए के प्रमुख वैस मोदी और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल। सीबीआई प्रमुख का पद मार्च महीने से है रिक्त, राकेश अस्थाना निभा रहे हैं अंतरिम सीबीआई प्रमुख की भूमिका। योगी आदित्यनाथ आज देवीपाटन, गोंडा और आजमगढ़ जाएंगे, कोरोना की रोकथाम के इंतजामों का लेंगे जायजा। आखिरकार योगगुरु रामदेव ने एलोपैथी पर दिया बयान, वापस लिया, आईएमए ने रामदेव को भेजा था नोटिस। वाराणसी में सेक्स रैकेट का खुलासा, छापेमारी के दौरान 3 महिलाएं गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने फेज 2 से हिस्ट्री शीटर प्रवीण अवाना को किया गिरफ्तार, प्रवीण पर हत्या लूट समेत 31 केस दर्ज। जयपुर में झुकी बस्ती पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने ढाया अवैध निर्माण, कब्जे की जमीन पर बने आवास को कोर्ट ने तोड़ने का दिया था आदेश। बिहार के लखीसराय में दूसरी शादी रचा रहे युवक की काफूर हुई खुशी, दोनों पत्नियों ने खुलासे पर जमकर के धुनाई, चप्पलों से पीटा। अलीगढ़ में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, वायरल वीडियो में घूसखोरी का भी जिक्र।